अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है पार्टनर? ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल, ऐसा लग रहा है तुम अभी बाहर अपनी बाइक डबल स्टैंड पे खड़ी करके आए हो। तुम तैयार लग रहा है? हाँ, नहीं नहीं, वो लग रहा है साइड पे बर्फ पड़ रही है। अच्छा भाई, मियाँ क्या करते हो, क्या नाम है? आदिल। आदिल क्या करते हो? बीकॉम कर लिया मैंने। कर लिया तुमने, अब फारिग पड़े हो? जी सर। किसी काम आओगे या पढ़े रहोगे? सर कोर्स कर रहा हूँ। किस चीज पे? आईटी का। आईटी का कोर्स कर, वेरी गुड। नबील भाई आए, में कोई सवाल लाए हो? सर जो आप शूटिंग के दौरान जो कपड़े पहनते हैं, तो जो शूटिंग खत्म हो जाती है तो आप वो बेच देते हैं या फिर क्या करते हैं उनका? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। नबील भाई, अजीब बात है, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं जो शूटिंग के दौरान आप कपड़े पहनते हैं। हाँ। ये बड़ी बात। और शुक्र है आपसे नहीं पूछते। तो हाँ। आप तो जला देते हो। मेरा बनता ही नहीं है। मेरा बनता ही नहीं, मुझसे कोई पूछ ही नहीं सकता आप शूटिंग के दौरान कपड़े पहनते हैं। नहीं पहनते? नहीं, मैं तो वो शूटिंग करते नहीं, मैं तो होस्टिंग करता हूं। होस्टिंग करता हूं। हां, बड़ा ही सवाल था। जी सर। तो तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारा कोई पुराने कपड़ों का काम करने का इरादा है? एपिसोड देखता रहता हूं। एपिसोड देखते रहते? जी सर। तुम सिर्फ पूरी एपिसोड में ही देखते हो कि नबील भाई कपड़े? हाँ जी। क्या क्या करते होंगे? कैजुअल शर्ट पहनी होती है, एपिसोड खत्म होने लगता है टी शर्ट आ जाती है। अगला कपड़े मैं बहुत सारे पहनने पड़ते हैं, तो मैं जो जो मेरे साइज के दोस्त हैं उनको भेज देता हूँ। और यकीनन तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम्हें नहीं भेज रहा। और ना साइज के? ना तो मेरे साइज के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? महनूर। महनूर क्या करती हो तुम? मैंने फैशन डिजाइनिंग की है। कहाँ पे? NCSA। अरे वाह, और तुम उसके बावजूद यहाँ बैठी हो? अच्छा, आप समझे किसी गवर्नमेंट स्कूल से? नहीं नहीं, मैं पता करना चाहता हूँ। महनूर लग रही है कि एनसीए की बच्ची है। अच्छा अच्छा, एनसीए। महनूर ये बताओ कि कोई सवाल लाई हो? जी, मेरा क्वेश्चन नबील सर से है। जो भी कन्वर्सेशन आप दोनों में हो रही होती है, तो आगे से आप उनको सिर्फ यही क्यों कहते हैं, ओके जानू? ऐसा क्यों है? क्या कहें? तुम्हारे पास कोई नहीं? क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई, तो शादीशुदा मोस्टली मर्द यही कहते हैं। हाँ। मतलब अच्छा घर, अगर वाइफ अब्यूसिंग भी कर रही है तो आगे से ओके जानू ही कहना है। आप क्या चाह रही, मैं क्या करूँ? मैं सर फाड़ दूँ उसका, क्या करूँ? क्या नहीं, कुछ तुम्हारे दिमाग में? आप ये नहीं समझ रही कि वो घर चलाती हैं सारा, मेरे ससुर पैसे देते हैं। मतलब आप बटरिंग कर रहे होते हैं? तकरीबन तकरीबन। ओके। अच्छा, क्या नाम था तुम्हारा? मानूर। जी सर। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि अगर तुम्हारे हस्बैंड होंगे कभी इंशाल्लाह आगे चल के, तो वो तुम्हें झगड़े के दौरान आखिर में क्या कहें? सॉरी। नो, सिंपल। ये मैं भी ओके जानू उसी में कहता हूँ। हाँ, उसी उसी नियत से कहते। मेरी नियत वही है। नियत ये, मेरी नियत पे शक नहीं। उसने बड़े क्लियर, अच्छा वो बड़ी लड़की बड़ी क्लियर है अपने दिमाग में, क्या कहे? सॉरी कहे। हाँ, मतलब पता है आगे ये कहना है। अगर उसकी गलती हो तो डबल कहे। वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राहिल है यार। राहिल मेरे बहुत पुराने कोलीग है। और आज के बेगम के साथ आए हो? नहीं, अकेला आया हूं। वो कौन है फिर? अली भाई। अच्छा अच्छा, अली भाई। राहिल, क्या सवाल है तुम्हारे पास? मेरा सवाल आपसे है। पूछिए। ताबिश भाई, वैसे तो आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, लड़के ज़्यादा। तो आपकी, आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन ऐसी कोई शख्सियत है या ऐसा कोई शख्स है जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हो? हाँ नवील भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, ये वैसे तो ऐसा है। हाँ बताएं। नहीं, आप इन्हीं का नाम तो नहीं लेंगे? नहीं, क्योंकि मेरा प्यारा लड़का है। मैं नवील भाई, जब अल्लाह मियां ने मुझे शोहरत और थोड़ी बहुत दौलत दी, तो मैंने अपने तमाम, अच्छा थोड़ी बहुत, ये मैं एहतियातन, आपने एहतियातन टैक्स वालों से इधर उधर किया का? मैंने टैक्स काट के जुमला था। अच्छा, थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत जब दौलत जमा हो गई ना, तो मैंने अपने तमाम वो लोग जो मेरे दिल में तकलीफ थे ना, उनको माफ कर दिया। ये बहुत, मैंने कहा यार मैं आपसे ज्यादा पावरफुल। बिल्कुल सही। मगर एक शख्स है। अच्छा। हाँ भैया, राणा नाम का। ओए होए, उसका पूरा राणा, ये नहीं अपना वजीर दाखिला नहीं। अच्छा। लेकिन एक राणा नाम का आदमी है। राणे, तू जानता है तू कौन है? बच के रही और तू कोशिश कर मैं तुझे भूल जाऊं। ये कोशिश। ओके। राहिल, तुमने निकलवा दिया ना मेरे मुंह से। बिल्कुल। वो तुम्हें भी जानता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू राहिल, वेलकम टू हस्ता मनाए।